हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 टाइप्स ऑफ डोसा रेसिपीज़ और उसके साथ चटनी और डिलीशियस सांभर रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा। मैं सब बताऊंगी कि डोसा क्रिस्पी और टेस्टी और डिलीशियस कैसे बना सकते हैं हम परफेक्ट डोसा। तो मैं 3 टाइप का डोसा बना के आज दिखाऊंगी आपको और परफेक्ट डोसा बनेगा, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। ये शाम का तब क्लिप है, तो ये मेरा शाम का चाय बना था, तो मैं अभी शाम की चाय एंजॉय करूँगी और उसके बाद जो भी मैं बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि शाम को थोड़ा सा ठंड पड़ रही है और इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी पहले तो चाय पीऊँगी और चाय के साथ एक दो बिस्किट ले लूँगी कुछ, फिर उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी। एक्चुअली ये कुछ फेस्टिवल वगैरह कुछ नहीं था, बट मेरे हस्बैंड को कुछ क्रेविंग हो रही थी डोसा खाने की, क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ डोसा इडली, क्योंकि मेरे घर में फिर डोसा इडली पूरा प्रॉपर तरीके से खाया जाता है। मतलब उसके साथ सब कुछ चाहिए, सांभर चटनी, और ये प्रिपरेशन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। और ये ऋषभ की खुशी देखी है, उसका भी फेवरेट है डोसा, तो इसीलिए मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, पर फिर बनाते वक्त पूरा प्रॉपर बनाती हूँ सब चीज़, फिर ये लोग बहुत एंजॉय करके फिर उसको खाते हैं। तो अभी मैं चाय के साथ टोस्ट ले रही हूँ, इसीलिए अभी आई थी टोस्ट लेने। थोड़ा सा खाली चाय नहीं पीना है बोलते हैं ऐसा, तो मैं हमेशा चाय के साथ बिस्किट या फिर टोस्ट कुछ ऐसे ही स्नैक्स ले लेती हूँ और फिर मैं चाय पी लेती हूँ। तो अभी शाम का मेरा, मैंने सब काम कर ली थी, जैसे दिया बाती वगैरह सब हो गया था। और ये मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा बाहर का नज़ारा, और यहाँ पे मैं तुलसी माँ के पास भी दिया वगैरह लगा ली थी। और फिर अभी मैं जा रही हूँ बनाने को। और ये आटा ना मेरा फ्लिपकार्ट से आज ही आया था, और ये 10 किलो का पैकेट है, फिर उसको उठा के मैं नहीं रख पाती, तो हस्बैंड आएंगे तो वो रख लेंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पे साइड में रखती हूँ। तो अभी मैंने कुछ तैयारी कर ली थी, जैसे कि आपको दिखाई थी, दाल बॉईल कर दी थी और फिर आलू भी बॉईल कर दी थी, सब्जियाँ वगैरह कट कर दी थी। तो अभी हम लोग बनाएंगे सांभर, और मैं सांभर का पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी मैं कैसे सांभर बनाती हूँ, और बहुत अच्छा सांभर बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप सांभर में अपने मनपसंद का सब्जियाँ आप डाल सकते हो, जैसे मैंने अभी दिखाई थी आपको, डाली थी गाजर, मूली और फ्रेंच बीन्स और कच्चा प्याज। सांभर में कच्चा प्याज डालने से उसका टेस्ट इतना इन्हांस होती है ना, आप कभी डाल के देखिए, प्रॉपर सांभर का टेस्ट आता है। तो मैं इसीलिए सांभर में कच्चा प्याज भी ऐड करती हूँ और कच्चे टमाटर, और बैंगन तो सांभर में जाता ही जाता है। और फिर हम ड्रमस्टिक भी डाल सकते हैं और लौकी भी डाल सकते हैं, तो यही सब वेजिटेबल सांभर में डाला जाता है। तो मेरे पास नहीं था लौकी और ड्रमस्टिक, तो मैंने इसीलिए इतना ही वेजीज डाली थी सांभर में, और ये बहुत टेस्टी सांभर बना था। तो मेरा जैसे दाल बॉयल होता, एक्चुअली सांभर ओपन पॉट में ही बनाया जाता है, इसीलिए मैंने पहले ना दाल को नमक और हल्दी डाल के पका दी थी, फिर अभी वेजिटेबल डाल दी। तो उधर दाल पक रही है, तो मैं इधर तैयारी कर रही हूँ आलू मसाला जो कि डोसा में जाएगा। तो मैंने पहले ऑयल डाल दी, उसके बाद राई डाल दी, जीरा, और ज़रूर से आलू की कोई भी सब्जी बनाइए उसमें हींग ज़रूर से डालिएगा, हींग का टेस्ट भी अच्छा आता है और हींग पेट के लिए भी बहुत अच्छा है गैस की प्रॉब्लम को
कंट्रोल करती है। तो उसके बाद मैंने डाल दी थी फली दाने, ये ऑप्शनल है फली दाना। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है फली दाना, उनको हर चीज़ में फली दाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ऐड करी थी फली दाना। उसके बाद डाल देंगे चना दाल थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा उड़द दाल, जैसे साउथ इंडियन रेसिपीज़ के तड़के में ये तो जाता ही जाता है, चना दाल और उड़द दाल। तो उसके बाद कड़ी पत्ता, ये भी साउथ इंडियन रेसिपीज़ में कंपलसरी रहता है कड़ी पत्ता, तो इसीलिए वो भी जाता है, ये सब कंपलसरी ही रहता है। उसके बाद मैंने लंबा लंबा कटा हुआ प्याज डाली थी, और ऐसी ही डाला जाता है। और उसके बाद मैंने हरी मिर्च को ऐसे बीच से काट दी थी, स्प्लिट कर दी थी, क्योंकि ऋषभ भी खाएगा तो उसके मुंह में ना जाए और थोड़ा सा तीखापन आलू मसाला में आ जाए, तो इस बेसिस पे मैंने बस ऐसे हरी मिर्च डाल दी थी ताकि बाद में मैं निकाल सकूँ। उधर मेरा सांभर की सब्जियां पक गई थी, तो मैं उसमें इमली का पल्प डाल दी थी जो गर्म पानी में मैं भिगो के पहले से रखी थी, तो उसको मैंने अभी डाल के थोड़ा मिक्स कर ली थी दाल को। और इधर प्याज को हम थोड़ा सा लाइट ही भुनेंगे, ज़्यादा मतलब वो कलर नहीं देंगे प्याज में, तो लाइट ही भुनेंगे, जैसे कि प्याज का जैसे पूरा लच्छे पूरा अलग अलग हो जाए तो वो अच्छा लगता है टेस्ट में भी। तो उधर मैंने 2 बड़े चम्मच सांभर पाउडर डाल दी थी सांभर में, सांभर तो बिना सांभर पाउडर डाले फिर सांभर लगता नहीं है वो, इसीलिए मैंने 2 बड़े चम्मच डाली थी सांभर पाउडर इसमें। उससे क्या होता है, परफेक्ट तीखापन भी आ जाती है, और फिर वो जो सांभर की खुशबू आती है वो पाउडर से वो भी आ जाता है। तो इधर मेरा प्याज अच्छे से हो गया था, और यहाँ पे मैं जो बॉयल करके आलू रखी थी उसको थोड़ा सा हाथ से ही मैश करके डाल दे रही हूँ। आप पोटैटो मैशर में भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा चंक्स रहेगा तो अच्छा लगता है डोसा खाते टाइम, तो वैसे ही मैंने इसीलिए डाल दी थी। और अभी स्पैचुला की मदद से भी हम तो उसको प्रेस करते ही हैं, तो उस टाइम में भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे नमक, और उसके बाद डालेंगे हल्दी थोड़ा सा, इसमें उतना ही जाता है। उसके बाद इसका जो स्पेशल रहती है ना आलू मसाला में, वो है 1 चम्मच सांभर पाउडर और थोड़ा सा पानी, और ये ज़रूर से डालिएगा, इसी से ही आलू मसाले में जो वो टेक्सचर रहती है और वो टेस्ट जो आता है ना बहुत अच्छा आता है सांभर पाउडर डालने से। तो सांभर पाउडर ज़रूर से डालिएगा आलू मसाले में, और थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा पतला बनाइएगा, तो वैसा ही बनती है ये, तभी वो जैसे हम रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं तो थोड़ा सा वो पतला पतला ही रहता है आलू मसाला। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जस्ट फॉर नेम सेक डाल दी थी ताकि थोड़ा सा खुशबू आए, और उसके बाद मैंने डाली थी हरा धनिया खूब सारा, उसके बाद उसको अच्छे से मिला लेंगे। दैट्स इट, हो गया ये आलू मसाला रेडी। इसको और कुछ भी नहीं करना है और ज़्यादा पकाना भी नहीं है, बस गैस बंद करके रख देंगे। उधर मेरा सांभर भी हो गया था, बस सांभर को तड़का लगाएंगे। सांभर को बस नॉर्मल तड़का ही है, राई जीरा और हींग डालना ही है, दाल में हींग का खुशबू जो रहता है ना वो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है फिर हींग डालने से। फिर कड़ी पत्ता, और मेरे पास ना लाल मिर्च, जो खड़ी लाल मिर्च रहती है ना वो नहीं था, आप ज़रूर से डालिएगा। और मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे डाल दी थी ताकि सांभर का जो कलर है वो थोड़ा सा रेडनेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा का आए, वो लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, जो स्ट्रीट साइड में जो चटनी मिलती है ना डोसे के साथ, वही चटनी है ये। तो ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा क्रैकल करी थी, उसके बाद फली दाना डाल देंगे।
फली दाना को अच्छे से थोड़ा रोस्ट करेंगे, जब तक वो थोड़ा सा फट ना जाए तभी हमको पता चलता फली दाना हो चुका है। उसके बाद हम डालेंगे चना दाल, मतलब आप ये रेशो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा फली दाना नहीं तो ज़्यादा आप दाल चना दाल डाल सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर ली थी, उसके बाद इसको ठंडा होने रख दी थी। ठंडा होने के बाद मैं मिक्सचर जार में डाल दी थी कड़ी पत्ता कच्चा ही और थोड़ा सा जिंजर, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और दो तीन लहसुन की कली। और ये पूरा जो हमने फलीदाना वगैरह हमने फ्राई करे थे इसको डाल देंगे। ये बहुत अच्छा चटनी बनके तैयार होती है, जैसे आप होटल में खाते हो और जो स्ट्रीट साइड में खाते हो ना, वही टाइप का चटनी है ये। ये नारियल चटनी नहीं है, ये फलीदाना वाला चटनी है। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। उसके बाद आप इसमें ना एक हरी मिर्च डाल सकते हो, और मैंने थोड़ा सा इसमें इमली डाल दी थी थोड़ा सा खट्टापन के लिए। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और दैट्स इट, हो गया। इसको और कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम क्या करेंगे ना, ग्राइंड कर लेंगे। पूरा स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे, जैसे डोसा में रहती है ना चटनी, उस टाइप का थोड़ा सा पतला पतला ही रहता है डोसा की चटनी, तो उस टाइप बना लेंगे। आप बना के देखिएगा, ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नारियल चटनी भी उतना ही अच्छा लगता है डोसा में, बट मेरे पास नारियल नहीं था, मैं ज़्यादातर यही चटनी बनाती हूँ और मेरे घर में ज़्यादा पसंद भी करते हैं ये चटनी। तो मेरा हो गया था, देखिए मैंने कितनी पतला पूरा पेस्ट बना ली थी। उसके बाद ग्राइंडर जार में भी थोड़ा बहुत लग गया था, तो मैं उसमें पानी डाल के अच्छे से मिला के उसको भी डाल दी थी। अब ये हो गया था, उसके बाद हम इसमें ना फाइनल टच देंगे, बढ़िया सा तड़का। कुछ नहीं, बस तेल में राई डाल देंगे और वही लाल मिर्च होगा आपके पास खड़ी वाली, तो वो बस डाल के इसके ऊपर पोर कर देना है, और ये डन हो गया चटनी। और ये देखिए मेरा सांभर भी बन के रेडी हो चुका था, और ये है आलू का मसाला, ये बहुत डिलीशियस था। आप ज़रूर से मेरे कहने पे बनाइएगा और ऐसे ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा और आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे, और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं ये बहुत मतलब टेस्ट ले लेके खाएंगे, ये मेरा 200% गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ। और ये देखिए मेरा बैटर हो गया था अच्छे से फॉर्मेंट, मतलब ये ठंडी के मौसम में ज़्यादा तो होता नहीं है कि ये बैटर इडली बनाने के लिए सही नहीं है, बट डोसा बनाने तक के तो हो ही गया था। और ये था मेरा नॉनस्टिक डोसा पैन, ये ना लोहे के पैन में भी बहुत अच्छे से बन जाता है, जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी वीडियो के, कि लोहे के पैन में भी बनाई थी। यहाँ पे बैटर डाल के पूरा अच्छे से फैला देंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा बस ग्रीस करी थी, उसके बाद बैटर ऐसी डाल देंगे। उसके बाद ना डोसा जब ऊपर से पूरा सूख जाए, उसके बाद हम उसके ऊपर ऑयल डालेंगे, और जो भी ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर लगा होगा उसको प्लेन करेंगे अच्छे से, जैसे मैंने अभी करी आप देखे होंगे। उसके बाद हम मसाला डालेंगे, और मसाला डाल के ये बढ़िया सी चीज़ आप ज़रूर से करिएगा, ग्रेट करके मैंने थोड़ा सा बीटरूट और कैरेट डाली थी। इसका जो क्रंच आता है ना, इतना टेस्टी लगता है, आप ज़रूर से बना के देखिएगा। और देखिए मेरे डोसा तवा से ना ये डोसा ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया था, तो इसी स्टेज पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ डोसा बन चुका है, और ये इतना क्रिस्प बनता है ना, ये सही में रेस्टोरेंट फेल कर देगा, आप घर में भी इतना अच्छा बना सकते हो।
तो मैंने दूसरा डोसा आपको बना के दिखा रही हूँ, ये देखिए। फिर हम लोग वही गाजर और बीट को थोड़ा सा क्रश कर, यहाँ पे आप ना पत्ता गोभी भी थोड़ा सा छोटा छोटा काट के डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, ये आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगता है डोसा के अंदर, ये जो स्टफिंग अगर ऐसे बनाए तो देखिए ऑटोमेटिकली ये निकल जा रहा था मेरा डोसा। इसका कलर कितना अच्छा आया है ये आप देख ही सकते हो। और ये प्लेट में लगा रही हूँ ऋषभ और उसके पापा के लिए, क्योंकि गरम गरम खाने में ही मज़ा आती है, जैसे रेस्टोरेंट में हम बैठ के ऑर्डर करते हैं ना वैसे ही। तो मैंने उनको सर्व कर दी थी और एक ही प्लेट में सर्व करी थी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि सिंक इतना भर चुका था बर्तनों में, तो मेरे हस्बैंड बोले एक इसमें दे दो हम खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे ना दूसरा बना रही हूँ, आप देखिए पूरा पैन में स्प्रेड करिए, और उसके बाद ये जो ऊपर ऊपर ऐसे निकल आया है ना, इसको हम ना ऑयल डालने के बाद उसको स्पैचुला की मदद से उसको पूरा दबा दबा के अच्छे से प्रेस करके क्लीन कर देंगे, फिर वो अच्छे से पकता है बढ़िया। उसके बाद आलू मसाला लगा दी थी मैंने, और फिर वही थोड़ा सा ग्रेट कर दी थी कैरेट और बीट रूट। उसके बाद ये ऋषभ ने बोला था मेरे को चीज़ डोसा चाहिए, तो चीज़ मसाला डोसा, तो उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी। और वही जैसे थोड़ा सा चीज़ मेल्ट होने लगे, फिर उसके बाद आप उसको पलट के फिर बना सकते हो। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि कितना क्रिस्प बना है, सही में बहुत क्रिस्पी बना था, और ये कोई रेस्टोरेंट के डोसा से कम नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मैं एक आपको दिखा रही हूँ प्लेन चीज़ डोसा, वही प्रिपरेशन है जैसे मैंने ऑयल लगा के डाल के आपको बोली थी, प्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल नहीं, बटर थोड़ा सा और उसके ऊपर मैंने लगा दी थी, और इसके बाद ऊपर से चीज़ पूरे डोसा में अच्छे से लगा लीजिएगा, स्प्रेड कर दीजिएगा चीज़ को। और ये देखिए ये लग रही है ना रेस्टोरेंट जैसी प्लेन डोसा। और ये देखिए यहाँ पे दोनों खा रहे हैं और ये सब कितना खुश है, ये सच में बहुत टेस्टी बना था। आप ज़रूर से, मैं मेरे कहने पे आप ज़रूर से ये बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये डोसा चटनी और यही वाला सांबार। तो ये था सुबह का क्लिप, मैं बोल रही थी ना लोहे के तवे पे भी बहुत अच्छे से बन जाती है, तो ये सुबह का था। ठंडी के मौसम में ना जल्दी फॉर्मेंट नहीं होती है, इसीलिए मैं सुबह, हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा उनके लिए बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल के उनके लिए ही बनाई थी। तो ये मेरा देखिए लोहा का तवा है, इसको अच्छे से ना पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अच्छे से गरम करेंगे, उसके बाद इसमें ना पानी की छींटे दे देंगे और इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे। उसके बाद ऐसे बैटर डाल के इसको अच्छे से फैला देंगे, ये देखिए। और वही प्रोसेस है जैसे मैंने बोली थी, ऊपर का जैसे सूख जाए थोड़ा सा, उसके ऊपर हम ऑयल डाल के ये जो ऊपर उठा हुआ है बैटर थोड़ा थोड़ा सा, उसको अच्छे से स्पैचुला से हम प्रेस कर देंगे, पूरा प्लेन कर देंगे डोसा को। उसके बाद ऐसे प्लेन करने के बाद फिर उसको अच्छे से पकने देंगे। जब लोहे की तवा में आप बनाते हो ना, आप हीट को हमेशा लो ही रखिए, क्योंकि लोहा का तवा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जब आप लो में रखेंगे ना वो बहुत अच्छे से पक के क्रिस्प बनता है एकदम डोसा। और ये देखिए मैंने खाली डोसा और नारियल की चटनी बनाई थी और वही वो खा के ऑफिस गए थे, और ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी डोसा बन के तैयार हुआ है। तो यहीं तक था आज का मेरी वीडियो, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।